नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कांग्रेस ने 2023 की चुनावी बिसात पर 16 मोहरे बिछा दिए हैं। प्रदेश के 52 जिलों में 16 दिग्गज नेताओं को तैनात किया गया है। इनमें अजय सिंह और अरुण यादव जैसे नेता शामिल हैं जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। सुरेश पचौरी जैसे नेता भी हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं या लड़ते हैं तो हार चुके हैं कई बार। वयोवृद्ध हो चुके नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी हैं और कांतिलाल भूरिया जैसे आदिवासी नेता भी हैं। खास बात यह है कि नेताओं को उनके गृह जिले से अलग दूसरे जिले में तैनात किया गया है। 16 नेताओं में से कुछ विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में यह नेता अपने प्रभार वाले जिलों में कमान संभालेंगे या फिर अपनी विधानसभा संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी यह है कि उसके पास संगठन में ज़्यादा बड़े नेता और कार्यकर्ता नहीं है। इन हालातों में कांग्रेस के नेता कितने कामयाब होंगे और इन नेताओं को कांग्रेस कितना फ्री हैंड देंगे ये जानेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की कमान अब उन लोगों के कंधों पर है जिनमें से कुछ खुद अपने क्षेत्र में चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस ने 16 नेताओं को 52 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, यानी विधानसभा चुनाव जिताना इन नेताओं की जिम्मेदारी है। पिछले विधानसभा चुनाव में हार चुके अरुण यादव बुंदेलखंड संभालेंगे। फूल सिंह बरैया को चंबल में तैनात किया गया है। वहीं अजय सिंह राहुल भैया विंध में चुनाव हार चुके हैं, अब ग्वालियर दतिया शिवपुरी में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सुरेश पचौरी विंध में तैनात किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को अनूपपुर शहडोल उमरिया जबलपुर का प्रभार दिया गया है। कांतिलाल भूरिया से लेकर मीनाक्षी नटराजन तक सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने दी है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनमें से कुछ विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये नेता चुनाव के साथ साथ गहरी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे ये बड़ा सवाल है। कुछ नेता अपने ही क्षेत्र में लोकप्रियता खो चुके हैं, अब दूसरी जगह कांग्रेस को कैसे स्थापित करेंगे, इस बारे में कांग्रेस का क्या कहना है आइए जानते हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने पार्टी के बड़े नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी दी है और वे अपनी सक्रियता से मिशन 2023 को सार्थक बनाने के लिए मैदानी स्तर पर लग गए हैं। जहां तक प्रश्न सोशल इंजीनियरिंग का है, मैं स्वीकार करूंगा कि मौजूदा दौर में सोशल इंजीनियरिंग को कमतर आंकना नाइंसाफी होगी, लिहाजा मौजूदा हालात में हम वो सब करेंगे जो हमें सरकार बनाने के लिए मददगार होंगे। कांग्रेस की इस नई रणनीति पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है आइए सुनते हैं। कांग्रेस सपने देख रही सरकार बनाने के, रोज ट्विटर पर भावी अवश्य भावी होर्डिंग पर भावी, कभी पंचांग से सरकार बनाते हैं, कभी ट्विटर से सरकार बनाते हैं, कभी होर्डिंग से सरकार बनाते हैं। इनके संगठन की ये स्थिति कि इंदौर जैसे शहर में 22 जनवरी को अध्यक्ष होल्ड हुआ था, 3 माह होने को जा रहे हैं, अभी तक इंदौर में अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं। यही स्थिति खंडवा की, यही स्थिति भोपाल की है कि भोपाल के अंदर अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे। अल्पसंख्यक कांग्रेस की कार्यकारिणी अभी तक होल्ड पर है, उसके पते नहीं वो बना नहीं पा रहे, सपने सरकार के देख रहे। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI से लेकर बूथ कमेटियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस के सभी 40 प्रकोष्ठों विभागों के कार्यकर्ताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। विधानसभा चुनाव के मजबूत दावेदारों के नामों का पैनल PCC को भेजेंगे। जिन सीटों पर कांग्रेस लंबे समय से हार रही है उनके हारने के कारणों की रिपोर्ट PCC को देंगे। इतने सारे काम इन नेताओं के जिम्मे हैं, क्या ये नेता चुनाव के समय इतनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है गुप्ता जी आपका अनादि TV में। और सबसे पहले आप ही के पास समय कम है, काम ज़्यादा है, और जिस प्रकार की जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने, आपको नहीं लगता कि थोड़ी लेट हो गई है या कुछ ऐसे चेहरों पर दाव लगा दिया जो आगे जाके खुद जिनको चुनाव लड़ना है तो ऐसे में वो प्रवास के जिलों में जाएंगे, कारण खोजेंगे या अपनी सीटों पर ध्यान देंगे? देखिए, ये तो जो है कांग्रेस की अपनी क्या रणनीति है, अंदरूनी उन्होंने किस तरह की समस्या होगी,
चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते, ये बहुत सारे भविष्य के घर पर बहुत सारे चीजें होती हैं। हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हैं हम चुनाव लड़े ना भी लड़े की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभारी बनाना मतलब ये है कि अभी तो आप प्रभार देखिए ना, यदि बहुत सारे कैंडिडेट तय करना है, जिले में कुछ समस्या है, आप दौरा करेंगे तो फीडबैक भी आएगा। अभी से मतलब हम अप्रैल से नवंबर के बारे में तय नहीं कर सकते कि अप्रैल से नवंबर में क्या होगा। आप यदि ये देखेंगे कि अभी एक कमलनाथ अकेले दिख रहे हैं, अब आज यदि उन्होंने कुछ प्रभारी बना दिए हैं जो नेता जिलों में जाएंगे, ये तो नहीं कह सकते ना उनके पास काम नहीं है। यदि वो काम से पीछे हटते हैं तो भी उनके राजनीतिक तौर पर उन्हीं को नुकसान होगा ना कि वो जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, यदि उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी तो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को जो उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो नेतृत्व उपलब्ध है, उसका उपयोग वो कर रहे हैं। यदि वो उपयोग उनको फीडबैक मिलता है ग्राउंड से, कार्यकर्ताओं से कोई बातचीत करते हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट आता है, वहां के मुद्दे आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो चुनाव के पहले आपको जरूरत होती है, जो होमवर्क के लिए जिनकी जरूरत होती है। तो अब इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है ना कि जाते कितने लोग हैं। जो कांग्रेस की समस्या ये नहीं है कि उनको लोगों को काम नहीं दिया जाता, क्योंकि राजनीति कांग्रेस में लोग अपने हिसाब से करते हैं, वो नेतृत्व के हिसाब संगठन के हिसाब से राजनीति नहीं करते। उन्हें कोई भी प्रभार दे दीजिए, आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए, वो सब अपनी मनमर्जी के राजा होते हैं। इसलिए अभी तो पहले ये देखें कि ये जाते हैं कि नहीं जाते, या फिर आगे चुनाव वाली कोई स्थिति फिर बाद में उनका संगठन तय करेगा कि वो टिकट देता है कि नहीं देता। बिल्कुल ब्रजेश जी, जो गुप्ता जी भी कह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कई बार हमने देखा कि जो अजय सिंह कहते थे कि उनको टिकट काम नहीं दिया जा रहा है, अरुण यादव जब टिकट मांगते हैं तो कह दिया जाता है सर्वे में तो आप तो जिताऊ नहीं है, बीच में उनको छत्तीसगढ़ भेज देते हैं, तो शायद अब इसलिए उनको ये काम सौंप दिया गया है कि अगर वो काम करने जाते हैं तो आपको अपनी सीट का मोह छोड़ना पड़ेगा, और अगर सीट के मोह में रहते हैं और आप अपने संबंधित क्षेत्र में नहीं जाते तो भी एक संकट है कि आपने संगठन का आदेश नहीं माना तो टिकट पर संकट आ सकता है। सुरेश पचौरी हैं, हमने देखा पिछला चुनाव भी हार गए भोजपुर से, अजय सिंह दो चुनाव हार गए हैं, राम निवास रावत की हम बात करें लोकसभा विधानसभा हार गए हैं, कांतिलाल भूरिया बेटे को नेता बनाना है, वो कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको उनके आसपास के इलाके से कहीं दूर का प्रभार दिया गया है, तो ये एक बड़ा संकट है कि उस इलाके में वो करेंगे क्या, क्योंकि कई तो ऐसे हैं कि जो खुद का चुनाव बामुश्किल या तो चुनाव हार गए थे या बामुश्किल जीत पाए थे। देखिए प्रभार जो दिए गए हैं निश्चित तौर पर उसके पीछे क्या मंशा रही हो, एक मंशा तो ये भी हो सकती है कि उनको अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है, कि अपने क्षेत्र में तो उनकी वो सभी जानते हैं, तो यदि वो उनसे फीडबैक यदि वो देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनके अपना भी हित रहा होगा। यदि दूसरे क्षेत्र का प्रभार दिया है, दूर का दिया है, तो एक जिम्मेदारी ये भी बढ़ जाती है कि आपको वहाँ के प्रभार दिया है तो वहाँ के परिणाम अच्छे आना चाहिए, वरना बाद में ये कहा जाएगा आपसे कि आपके प्रभार के क्षेत्र में इतनी खामियां मिली और यहाँ हमें इतनी चूक हुई, इतनी हार मिली। तो एक ही जिम्मेदारी तय करने से अब जाते हैं नहीं जाते, सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो दिनेश जी कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि निवाड़ का टीकमगढ़ का प्रभार दिया है अरुण यादव को, अरुण यादव के क्षेत्र का बुरहानपुर का खंडवा का प्रभार दिया है बाला बच्चन को, तो आप देखिए कि क्या बाला बच्चन को वहाँ प्रभार देकर कमलनाथ ने अपने खास व्यक्ति को प्रभार देकर अपने समर्थक को प्रभार देकर फिर क्या वही चाल चली है क्या? आप देखिए अजय सिंह को यदि आप सतना का प्रभार देते, रीवा का प्रभार देते, सीधी का प्रभार देते तो क्या वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाते? उन पर डबल जिम्मेदारी होती कि आपका क्षेत्र था, इस बार आपको जिता कर देना है। यदि खंडवा बुरहानपुर का ये प्रभार आप अरुण यादव के जिम्मे देते तो फिर वो टिकट में भी वैसी दावेदारी कराते या उनके नाम आगे बढ़ाते, तो ये खतरा ये भी था कि अरुण यादव। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनोज जी जिन लोगों को प्रभार दिए हैं ये जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो बात की बात है, यदि ये गए और इन्होंने फीडबैक दिया, इन्होंने यदि प्रत्याशियों के चयन में इनकी भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी ये सबसे बड़ा सवाल। तो जब कांग्रेस में कमलनाथ जिस तरह से अकेला चल रहे हैं, उनने प्रभार भले ही दे दिया हो लेकिन जिन नेताओं को प्रभार दिया है वो बड़े नेता हैं, वो एक तो अपने क्षेत्र पर फोकस ज़्यादा करेंगे और दूसरी बात वो यदि जाते भी हैं तो वो जानते हैं कि उनके फीडबैक का, उनके प्रत्याशी चयन में उनकी भूमिका का कोई मतलब नहीं रहेगा, उनका भूमिका रहेगी नहीं, क्योंकि सर्वे के आधार पर हमने भी देखा है कमलनाथ जी ने कहा किस तरह से वो सर्वे कराते हैं, बड़े नेताओं की सिफारिश पर टिकट नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ये नेता जाएंगे तो क्या इनकी सिफारिश काम करेगी, और यदि इनको अपने क्षेत्र से दूर रखने के पीछे क्या मकसद है? क्या ये मकसद है कि वहाँ पर गुटबाजी या उन अपने लोगों को भेजकर दूसरे लोगों को वहां से हकीकत जानना चाहते हैं कि अरुण यादव के क्षेत्र में बाला बच्चन को भेज रहे हैं, अरुण यादव कितने पानी में, कितने पानी में, यदि अजय सिंह के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं तो वहां का वो नापना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है,
कि अरुण यादव की वजह से वहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है या उनकी वजह से क्या कमियां हैं या वो दूर की जा सकती हैं। तो एक तरह से ये रणनीति मुझे लगता है हो सकती है कमलनाथ जी की, और पहले भी प्रभार तो उन्होंने पहले भी दिए, आप देखिए किस तरह से नर्मदा प्रजापति को प्रभार दिया था, फिर जिस तरह बाल कांग्रेस के प्रभार बदले गए, जब जाते नहीं हैं आदमी काम नहीं करता है तो फिर उनसे प्रभार छीन लिए जाते हैं। अभी ये प्रभार दिए गए, इनमें ऐसे लोगों को भी प्रभार दिए गए जिनमें अधिकांश तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब निश्चित तौर पर इसी साल चुनाव होना है तो उनका फोकस अपने विधानसभा क्षेत्र पर भी रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रवास करने की कोशिश करेंगे, तो ये कितना सक्षम है। रही बात हारे हुए लोगों को यदि हमने जिम्मेदारी दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हार गया है या वो कभी जीत नहीं पाया, हो सकता है उसकी जमीनी पकड़ उतनी ना हो, जनता में उसकी लोकप्रियता उतनी ना हो, लेकिन वो रणनीति बनाने में उसको महारत हासिल हो, रणनीतिक कौशल उसमें जानता हो, प्रबंधन की कौशल उसके पास हो, इसलिए वजह से जिम्मेदारी दी। यदि यही आकलन रहा, यदि यही फार्मूला रहा तो हम देखें पीसीसी में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो चुनाव जीता हो। ये पदाधिकारी हैं वो सब ऐसे ही हैं, लेकिन वो प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखना ये होगा मनोज जी कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में जाते हैं या नहीं जाते हैं, जाते हैं तो उनका फीडबैक क्या रहता है, क्या फीडबैक भी उसी तरह से रहेगा, सतही रहेगा, या वो खुलकर कह सकते हैं कि अजय सिंह के क्षेत्र में ये खामियां हैं, अजय सिंह से इतने लोग नाराज हैं इसलिए कांग्रेस में वो सक्रिय नहीं है, अरुण यादव के क्षेत्र से ऐसा फीडबैक आ सकता है कि इनकी वजह से कुछ कार्यकर्ता गुटबाजी की वजह से घर में बैठ गए, ये महत्वपूर्ण होगा। यदि इस तरह का फीडबैक आया और उस पर काम हुआ तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, यदि सतही फीडबैक आया और उस तरह से ही आया गुड गुड वाला सबको, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा पड़ेगा। हालांकि परिवार और जो जिम्मेदारी दी है उस पर एक दबाव तो पड़ता है बड़े नेताओं पर कि आप अपने क्षेत्र का जाइए, वहाँ पर कुछ काम करिए। जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मना सकते हैं क्योंकि दूसरे क्षेत्र से आए, बड़े नाम हैं, यदि वहीं का नेता से नाराज होंगे तो वो मानेंगे नहीं, इसलिए हो सकता है कि समन्वय बनाने के लिए जो कार्यकर्ता नाराज हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप की वजह से नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए प्रभार ऐसे नेताओं को दिया गया हो ताकि वो नाराजगी दूर करें और उनको सक्रिय कर सकें। लेकिन संकट तो ये भी है ना दिनेश जी कि कोई नेता किसी नेता के क्षेत्र में, मान लीजिए बाला बच्चन ने कह दिया कि अरुण यादव के क्षेत्र में किस नेता का फीडबैक अच्छा है, और वो अगर बाला बच्चन की गुड बुक में है लेकिन अरुण यादव की गुड बुक में नहीं है, तो अगर उसको टिकट मिल जाता है तो एक संकट ये रहेगा कि जो समर्थक लोग होंगे वो भीतरघात का एक सताएगा डर। दूसरी बात है कि आपने सुरेश पचौरी को कह दिया कि ब्राह्मणों को साधना है तो विंध्य के ही क्यों, जो मालवा अंचल है, जो नर्मदा अंचल है, वहाँ के ब्राह्मणों के लिए अगर वो साधते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो आपने भी शंका जताई कि जाएंगे नहीं जाएंगे, फीडबैक क्या होगा, लेकिन अगर वास्तव में अगर फीडबैक के हिसाब से अगर टिकट वितरण होना है तो क्या गारंटी है कि इनके फीडबैक के हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी या ये सही फीडबैक देंगे। और हमने तो देखा कि प्रभार देने पर भी झगड़े हो जाते हैं दिनेश जी कांग्रेस में, आप देखिए कि किस तरह से चौधरी राकेश सिंह को प्रभार दिया गया तो झगड़ा शुरू हो गया था, अजय सिंह ने विरोध किया था, तो इस प्रभार की भी ऐसी कोई खबरें आ सकती हैं अभी। कांग्रेस में कोई भी चीज असंभव नहीं है कि ये कार्डर बेस पार्टी नहीं है कि पार्टी ने किसी को भेज दिया तो सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाए, उस तरह की पार्टी नहीं है ना। यहाँ कांग्रेस में जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ये यहाँ नेता तो यही होते हैं, बाकी जगह तो कार्यकर्ता होते ना जो पार्टी का हुक्म मानते हैं, तो ये नेता है जो अपने अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार अपने आकलन के अनुसार राजनीति करते हैं। बिंदु में आप बताइए ना कि क्या अजय सिंह के अनुसार पार्टी चुनाव लड़ी थी तो जीत गई थी क्या? राजनीति में देखिए कुछ भी हो जाता है, कई बार आपकी सलाह ठीक होती है, कई बार आपकी सलाह कारगर नहीं होती, ये सबके असेसमेंट की बात होती है। तो गुटबाजी तो है ही, यदि गुटबाजी है आपको लगता है कि ये एक्स ठीक है वाई ठीक नहीं है तो वाई भी एक्स के बारे में कुछ ना कुछ बताता ही है, तो अल्टीमेटली पार्टी के पास तो फीडबैक होता ही है ना, वो जिनको देना है चुनाव, क्योंकि 230 विधानसभा की सीटें हैं तो किसी भी नेता के पास आप देखिए क्या इतने चेहरे हैं कि वो सारो सम अपने हिसाब से लेके चुनाव जिता ले। कुछ चेहरे तो ऐसे भी होते हैं ना कि जो जिताऊ तो जिन्हें मान रहे होते लेकिन जनता जिताती नहीं है उनको, वो हार जाते, बड़े बड़े चेहरे ऐसे होते हैं। तो ये गुटबाजी तो कांग्रेस के साथ चलती है और उसी गुटबाजी के बीच वो 2018 का चुनाव भी जीती थी, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी ही थी, तब तो जो है अरुण यादव ताजे ताजे हटे ही थे, उनका जो है उनके बाद जो 19 का चुनाव हुआ उनकी नाराजगी अपनी जगह उनको हटाने से कोई खुश थोड़ी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष नहीं बने थे तो वो भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी जनता चाहती थी कि सत्ता परिवर्तन हो, तो सत्ता परिवर्तन हो गया और अभी भी यदि जनता चाहेगी कि सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना, होना वही है। ये तो एक इसलिए है कि आप कम से कम
सक्रिय दिखे। जब बीजेपी में 15-16-20 लोग आप देखते हैं कि नेता काम कर रहे हैं, तो ये परसेप्शन होता है ना, आप और हम ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस को कुछ करने के लिए बैठ गई, कुछ लगता है चुनाव लड़ी नहीं गई। आज यदि उन्होंने प्रभारी भेजे तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने साहब इसमें झगड़ा होगा, तो कुछ ना कुछ तो चर्चा तो हो रही है कांग्रेस की, कुछ नहीं कर रहे उससे तो अच्छा है कि कुछ करिए, चर्चा में बने रहिए, और वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे जो आप भी कह रहे हैं कि जो लीडर बेस पार्टी में जो केडर को जिंदा करने की जरूरत है वो हो पाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी कह गए हैं कि संगठन ही लोग हमको वोट करना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं नहीं संगठन है हमारा, लेकिन बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, तो क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो चार्ज हो पाएंगे इन सबसे कि ठीक है कोई दूसरा नेता आ रहा है वो हमारी सुन लेगा, ऊपर तक हमारी बात पहुँचा देगा? देखिए कमलनाथ तो ये भी कहते हैं कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से, और दिग्विजय सिंह जो कहते हैं वो हमेशा सही कहते हैं। आप देखिए दिग्विजय सिंह की बात को जो है देखेंगे ना, तो उन्होंने गलत नहीं कहा कि कांग्रेस का तो संगठन कमजोर है, कांग्रेस का वही बात कमलनाथ कहते हैं कि भाजपा के संगठन से मुकाबला है, उस बात को दिग्विजय सिंह ये कहते थे कांग्रेस का संगठन कमजोर है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में संगठन तो कभी बना नहीं ना, दिग्विजय सिंह जब अध्यक्ष थे तब कोई संगठन था, जब कमलनाथ अध्यक्ष है तब भी कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस में 1947 से के बाद से जब से आजाद हुआ है आप तब से देखिए कब उन्होंने संगठन पे काम किया, तब उनकी वो तो जनता वोट देती थी कांग्रेस पार्टी को, वो जिताती थी। आप लंबे तक की राजनीति देखिए, 1977 का एक जो एपिसोड छोड़ दीजिए, तो जनता ने तो कंधे पे बैठा के कांग्रेस की सरकारें बनाई। जब कांग्रेस ही नेता अहंकार में भर गए, आत्महत्या हो गए, जनता से कट गए, या ऐसी एक जनरेशन आ गई जो आजादी के जो मूल्यों को भूल गई थी, तो जो है कांग्रेस पार्टी रसातल में जाने लगी, विभाजन होने लगे, लोगों के स्वार्थ आ गए, तो ये जो है इसमें संगठन कभी नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हम तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो कई बार विश्लेषणात्मक गलती हो जाएगी। जैसे 109 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम कहते हैं कि बिल्कुल सत्ता तो उसको हाथ से थोड़ी सी बच पाए, 10 सीटों की जरूरत थी, लेकिन आप देखिए 60 सीटों का नुकसान था उसे, उस एंटी इनकम्बेंसी को कोई समझ पाया था कि इतना बड़ा नुकसान, आप जो है कितने परसेंट सीटों का नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, और इसको आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मानते कि 170 सीटें उनके पास नहीं होती तो उनका क्या हासिल होता, वही 60-65 पे खड़े होते। तो जो एंटी इनकम्बेंसी जब स्ट्रांग होती है तो वो ज्यादा आपके पास, आप ज्यादा ताकतवर है तो चोट कम लगती है, कम ताकतवर है तो आप घायल हो जाते हैं, जैसा कांग्रेस के साथ अक्सर होता है। लेकिन आज की स्थिति में दोनों जहाँ खड़े हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि दोनों के सामने आज वही खतरा है कि कोई भी 60-65 पे जाकर खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस बार जो चुनाव है ये एक्चुअल नॉर्मल इलेक्शन है, आप ये दोनों स्थितियों को जिसे हम नॉर्मल इलेक्शन कहते हैं, कि इस नॉर्मल इलेक्शन में जिसके कैंडिडेट ठीक होंगे, क्योंकि मुद्दों पर तो आप बात नहीं हो रही, कोई कथा में लगा हुआ है, कोई प्रवचन में लगा हुआ है, माहौल क्या है प्रदेश का, कोई आपको लगता है कि जो है सरकार जो है वो अपने सकारात्मक वोट मांग रही है, सरकार कर क्या रही है, आपको सरकार का कोई ऐसा मुद्दा दिख रहा है जो जनता के बीच में क्लिक कर रहा हो, लाडली बहना की लाइन लगी हुई है, लेकिन कोई भी गारंटी के साथ आज ये नहीं कह रहा है कि लाडली बहना से 100% फायदा मिलेगा। ये जो डाउट है ये बताता है कि जनता के बीच में जो है उसके दिमाग में वो अभी तक पॉलिटिकल लीडर भी नहीं समझ पा रहे कि अल्टीमेटली इलेक्शन जाना कहाँ है। तो सामान्य परिस्थितियों के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है कि 160 हो जाए और हो सकता है आप 60 पर ही खड़े रहे। तो ब्रजेश जी ये संकट तो कांग्रेस के सामने बीजेपी के सामने ही, लेकिन कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा कि जो जनता की वो खामोशी समझ नहीं पा रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में पल्स नहीं पकड़ रहा है, वो बाकी जगह पल्स क्या पकड़ पाएंगे, वो वाकई सही से पकड़ पाएंगे, और अगर पकड़ ली तो उसका निदान क्या होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि होता ये है कि जब आपने सब कुछ फीडबैक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एजेंसी ने कहा कि ये तीसरा आदमी जीतने लायक है, जिन दो का फीडबैक है वो तो इस लिस्ट में नहीं है, तब क्या होगा? देखिए मनोज जी, जो बात दिनेश जी भी कह रहे हैं कि जनता चाहेगी तो जिता देगी, पल्स पकड़ने भी नहीं जा रहे नेता, मुद्दों की बात हम करते हैं लेकिन मुद्दों से इतर ही भटक जाते हैं। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो उनको जो मुद्दे हैं जनता के हित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ही फोकस रखना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी ध्रुवीकरण की तुष्टिकरण की राजनीति पर चली जाती है, या हम ये कहें कि बीजेपी की पिच पर जाकर खेलने लगती है। तो आप देखिए मुद्दे तो क्या होंगे, ये तो जैसे जैसे चुनाव आपका नज़दीक आता जाएगा मुद्दे भी आपके बदलते जाएंगे, और असल मुद्दे कई बार हम देखते हैं कि धरे रह जाते हैं, कोई एक ऐसा घटनाक्रम होता है कि जिसके बाद पूरा माहौल बदल जाता है, कोई एक ऐसा बयान आता है जिसकी वजह से पूरी धारा बह जाती है, दूसरी तरफ बह जाती है। तो देखिए जनता भी के मुद्दों पर बात करने चाहते, मुद्दों पर कोशिश करने की कोशिश करना चाहिए कांग्रेस को कि वो मुद्दों पर रहे, जो असल मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर जनता त्रस्त है, लेकिन क्या वो मुद्दों को भड़काती आई है क्या अब तक?
तो पल्स समझने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। पल्स तो सबको पता है कि जनता किस चीज़ से त्रस्त है, जो एसी कमरे में बैठे हैं वो भी जानते हैं कि जनता किससे त्रस्त है और उसको क्या चाहिए। लेकिन आप देखिए, प्रभावित करने की, प्रलोभन देने की कोशिश दोनों ही तरफ से हो रही है। यदि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि 1000 देंगे हम लाडली बहना को, यदि कांग्रेस को लगता है कि ये 1000 से ये महिला वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के पाले में चला जाएगा और उससे सत्ता में बरकरार रहेंगे, तो वो तत्काल कह देते हैं हम तो 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये फिर कहते हैं हम सिलेंडर देंगे। तो जो नब्ज पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, सब ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना दोगे तो हम आप उसको उससे ज़्यादा देंगे। ये कोशिश करने ये कोशिश है बस, और यही कोशिश हमें देखना लास्ट तक यही रहेगी कि कौन कितना ज़्यादा दे सकता है, मुफ्त की योजना कितना दे सकता है, सीधे बेनिफिट कौन ज़्यादा दे सकता है, ताकि वोट उसके हिसाब से प्रभावित हो जाए। लेकिन हमने ये भी देखा मनोज जी कि यही वादे उत्तर प्रदेश में भी हुए थे, यही वादे हमने और राज्यों में भी देखे हैं, कुछ जगह ये प्रभावी हो जाते हैं। यदि मध्य प्रदेश में 2018 में कर्ज माफ़ी का मुद्दा प्रभावी हुआ तो यहाँ हुआ, राजस्थान में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में। लेकिन यदि आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ जो कांग्रेस ने वादे किए थे उन पर लोगों ने भरोसा किया, वन पेंशन स्कीम पे। तो आप देखिए कि किस चीज़ पर जनता प्रभावित हो जाए, किस पर वो हो जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि 2019 में पुलवामा कांड हो जाता है तो जब बीजेपी सोच ही नहीं रही थी कि उसको इतना बहुमत मिल जाएगा, उतना बहुमत मिल जाता है। तो अभी तो हम कह सकते हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे, इन मुद्दों पर फोकस होगा, लेकिन ये मुद्दे वहाँ तक टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये दूर की कौड़ी है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का तापमान बढ़ता जाएगा, पारा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मुद्दे भी नए आ जाएंगे। हो सकता है किसी का ऐसा बयान आ गया, हो सकता है कोई ऐसी घटनाक्रम हो गई कि पूरा वो प्रभावित कर देता पूरे चुनाव। हमने देखा पहले चरण में कुछ अलग मुद्दे रहते हैं और हमने तो ये भी देखा है कि दूसरे चरण में जाते जाते मुद्दे बदल जाते हैं। तो ये तो जनता के मन में भले ही अभी से क्या बैठा हो, उसको परिवर्तन करना है, ये कोई नहीं ताड़ पाता आज की तारीख में। ना बीजेपी ताड़ पाई 2018 में, ना कांग्रेस ताड़ पाई। और कांग्रेस को लगा तब 2018 में तीन टर्म में इतनी एंटी कन्वेंसी थी कि हमको सत्ता तक पहुंचा दिया, तो उनको लगता है कि अब तो नाराजगी और बड़ी होगी। इसी उम्मीद से लगे हुए हैं कि अब सिर्फ फुटबॉल होगा, बीजेपी में ज़्यादा विवाद होंगे क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ चले गए हैं, बीजेपी से नाराजगी और बड़ी होगी लोगों की, और इसी वजह से वो जितने भी प्रभावित करने वाले वादे हैं, चाहे कर्ज माफी का वादा जो अधूरा रहेगा उसको पूरा करने का, चाहे गैस सिलेंडर का वादा हो, चाहे लाडली बहना का वादा हो, हमने देखा पिछली बार भी ऐसे ही वादे किए थे उनने, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें, जो जनता को प्रभावित कर सकती थी उसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि राशि बढ़ाई थी उसकी। यदि वो लैपटॉप दे रहे हैं तो आप स्कूटी दे रहे हो, वो साइकिल दे रहे हैं तो आप लैपटॉप दे रहे हो, आप मोबाइल दे रहे हो, ये एक होड़ लगी हुई है। तो फ्रीज की होड़ लगी है, बस यही होड़ लगी है, और यही होड़ जब तक देखी जाएगी जब तक मुद्दे, यदि कोई ऐसा मुद्दा ना आ जाए जो इन सारे मुद्दों को पीछे धकेल दे, तब तक इस तरह की होड़ देखने को मिलेगी। हम बिल्कुल होड़ भी देखने को मिलेगी और कुर्सी की दौड़ भी देखने को मिलेगी, लेकिन समय की कमी इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ने एक पहल तो की कि फीडबैक की बात है, लेकिन जहाँ तक जो रहता है वो जनता की पल्स समझते हैं, फीडबैक तमाम चीज़ों का उनके पास रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो नेता अपने क्षेत्र के इतर क्षेत्रों में जाएंगे और जो फीडबैक तैयार करेंगे उसको जो आला कमान है, पीसीसी में बैठे हुए लोग हैं या एआईसीसी में बैठे लोग हैं, उसको वो कितनी तवज्जो देते हैं, और अगर देते हैं तो किस स्तर पर देते हैं, और क्या ये आगे चल के विवाद का कारण तो नहीं बनेगी, इन सब पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।